उज्जैन के थाना नानाखेड़ा व नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शासकीय भूमि पर बने निजी गार्डन एवं यादव परिवार के करीब 6 लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर किए गए कब्जों पर निगम ने जेसीबी चला दी है। अतिक्रमण की इस कार्रवाई में निगम ने पुलिस प्रशासन व आला अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 68 करोड़ कीमत की शासकीय भूमि से गार्डन के संचालक व यादव परिवार द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे को हटवाया। प्रदेश में लगातार हो रहे भू माफियाओं के विरुद्ध अभियान में उज्जैन में फिर एक बार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें शहर के इंदौर रोड पर निजी गार्डन के संचालक और यादव परिवार द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे आज जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि निगम की इस कार्रवाई में करीब 68 करोड़ की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। मौके पर मौजूद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा आदेश जारी हुआ था कि शासकीय भूमि पर यादव परिवार के 6 लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, जो करीब 18 हेक्टेयर की है और कीमत 40 करोड़ रुपए है, जिसको छुड़वाने के बाद मोहनलाल यादव और अन्य 5 पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 268 के तहत तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। देख रहे हैं, न्यायालय तहसीलदार ने इस जमीन का कब्जा लेने की कार्रवाई की है। ये न्यायालय तहसीलदार के आदेश के अनुसार ये बेसिकली शासकीय भूमि है, जिस पर कुछ यादव परिवार के लोगों ने कब्जा किया था। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत तहसीलदार ने इस पर विधिवत तरीके से प्रकरण दर्ज किया है और इंक्रोचमेंट रिमूवल के ऑर्डर उन्होंने पारित किए हैं। सर, एक मन्नत गार्डन पे भी कार्रवाई की है? जी, मन्नत गार्डन पे जैसा आपको पता है, वो तकायमी कारखाने की जमीन थी, जिसको शासन ने शासकीय घोषित किया है अपर कलेक्टर न्यायालय ने, और उस जमीन का उसमें कब्जा लिया है। ये जहाँ तक इस जमीन की बात है, तो ये लगभग 16 हेक्टर जमीन है, जिसकी जो मौके पे जो कीमत है वो 40 करोड़ रुपए है, और इसी तरह उस वहाँ 2 हेक्टर जमीन थी, जिसकी जो वो भूमि भी मन्नत गार्डन की बहुमूल्य भूमि है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।